आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्राइम चर्चा की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता के बीच जाकर अपने समर्थन को मजबूत कर रहे हैं, और इन्हीं तैयारियों के बीच प्रत्याशियों की दावेदारी भी जोर पकड़ रही है। ऐसे ही कर्मठ प्रत्याशी चर्चा में है, जो समाजवादी पार्टी से हमीरपुर की सर्दी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज प्रजापति, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। हमीरपुर से सदर सीट की दावेदारी कर रहे हैं। पिता शिव शरण प्रजापति रह चुके हैं उनके कई बार विधायक, जहां पिता की राजनीतिक पारी से मिले हैं उन्हें कई अहम अनुभव। एक समाज सेवी के रूप में बनाई है उन्होंने अपनी पहचान। सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता के बीच जाकर अपने समर्थन को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, और इन्हीं तैयारों के बीच प्रत्याशियों की दावेदारी भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। ऐसे ही एक कर्मठ प्रत्याशी की चर्चा आज हम करने वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी से हमीरपुर की सर्दी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज प्रजापति, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी के साथ साथ शिक्षाविद भी रहे हैं। इन्होंने तमाम कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, जहां उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया है। कोविड काल में भी उन्होंने कई लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाया है, कई तैयारियां भी की गई हैं, और इनके पिता राजनीतिक पारी से इनको अनुभव मिला है। ये एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो सबसे पहले तो मनोज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल समस्या है, बीच बीच में आवाज आपकी जा रही है। तो कर्मठ प्रत्याशी चर्चा में है, जो समाजवादी पार्टी से हमीरपुर की सादी विधानसभा सीट से अपने दावेदारी ये पेश कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज प्रजापति है, जो एक समाज सेवी के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। तो मनोज जी का हमारे इस कार्यक्रम प्राइम चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मनोज जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं जी। मनोज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम प्राइम चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कवर करने की योजना बनाई। आपका और आपके चैनल का मैं आभारी रहूंगा। मनोज जी, जिस तरीके से आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं, और कैसे आप अपने काम को राजनीति में सामंजस्य बिठाते हैं? मैं चूंकि कृषि के क्षेत्र में मैंने पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद से कृषि विश्वविद्यालय ऐसे अपना हमने पीएचडी कंप्लीट किया, वहां तमाम सारे शोध पत्र हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए तथा तमाम सारे शोध पत्रों में छपे भी। तो कृषि के क्षेत्र में होने के नाते मेरा दर्द, मेरा मर्म किसानों के लिए था, और इसी क्षेत्र में मुझे जब नौकरी मिल गई, विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर बन गया, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कैसे हम गांव में सर्विस को दे पाए, किसानों को कैसे जागरूक कर पाए, कैसे नई तकनीकों से उनको रूबरू करा पाए, इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊंगा तो जो भी मुझे छात्र जीवन में अनुभव मिला है, शोध के समय जो अनुभव मिला है, उसको मैं किसानों तक पहुंचा पाऊंगा। तो छात्रों को भी मैं पढ़ाता हूं, और किसानों के साथ जो नई तकनीकियां आती हैं उनको उनके साथ साझा करने का भी प्रयास करता हूं। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने एक शिक्षाविद है और एक आप समाज सेवी भी हैं, तो उसमें आप किस तरीके से कार्य रहते हैं, किस तरीके से आपने अपनी समाज सेवा का एक रुझान जो है वो बनाया है? चूंकि बचपन से मैंने देखा है गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, जो लोग समाज में सताए गए थे, उनकी सेवा हमारे पिताजी करते रहे, बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर मानवर कांशीराम जी के बताए गए रास्ते पर चलकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ते हुए तथा उनके बताए गए रास्तों पर चलते हुए
जो समाज में विकास में पिछड़ गया था शिक्षा के रूप में, समाज में जिसके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ था, विभेद किया गया था, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सामाजिक सम्मान दिलाया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, रोजगार में कैसे उनका प्रतिनिधित्व मिले, इसको देखते हुए जो पिताजी का अनुभव था, पिताजी का संघर्ष था, मैंने भी ये मन बनाया कि अगर हम इतना पढ़ने लिखने के बाद समाज को कुछ लौटा नहीं पाते हैं, समाज को कुछ दे नहीं पाते हैं, समाज को जागरूक नहीं कर पाते हैं, तो इस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं बचेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि राजनीति से जुड़ करके समाज को कैसे विकास के रास्ते पर लाया जाए। जो लोग समाज के विकास में पिछड़ गए हैं, जिनके साथ जातीयता के आधार पर विभेद किया गया है, सताया गया है, जिनके हाथ का छुआ नहीं खाया गया है, जिनका पानी नहीं पिया गया है, उनको कैसे सामाजिक सम्मान दिलाया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने राजनीति में आने का काम किया है। जी, जिस तरीके से आप राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, इस सीट पर आपके पिता यानी पूर्व मंत्री शिव शरण प्रजापति भी कई बार विधायक रहे हैं और उनसे आपको काफी अनुभव मिला है इस राजनीति का, तो उसमें आपका क्या दावेदार रहेगी, किन मुद्दों को लेकर? आपने मुद्दा तो अभी बताया है कि पिछड़े वर्ग पर आपका खासा रुझान रहेगा, उस पर ज्यादा आपका फोकस रहेगा, तो अभी ये है कि आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसमें आपकी क्या क्या रणनीति और किस तरीके से आप अपनी बात को जनता के सामने रखेंगे? स्वतः जी, सिर्फ पिछड़े वर्ग की बात नहीं है जी। चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, जिन लोगों को अभी भी उनके हक और अधिकार नहीं मिले हैं, जिनको पढ़ने का समान अवसर नहीं मिला है, जिन लोगों को समाज के आधार पे, जात के आधार पे अपमान का सामना करना पड़ा है, वो आज भी समाज में स्थितियां उसी तरीके की है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका एजेंडा साफ है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना करके हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले लिया जाए, और वोट लेने के बाद लेटरल इंट्रीज से कैसे अपने लोगों को सत्ता में भागीदार बना दिया जाए, रिजर्वेशन कैसे खत्म करके अपने वर्ग के लोगों को नौकरियों में स्थापित किया जाए, कैसे सब लोगों का वोट लेकर के सिर्फ अपने लोगों को मंत्री परिषद में और तमाम सारे मलाईदार जगहों पर बैठाया जाए, जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं वहां पर जिनके साथ अन्याय हुआ, अगर उनके लोग नहीं बैठ पाएंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दर्द दुखिया का दर्द दुखिया ही जानता है, अगर दुखिया उस जगह पर बैठेगा तो कैसे उस दुख को दूर किया जाएगा, यह काम दुखिया ही कर सकता है। और रही बात हमारे कैसे हम राजनीति में काम करेंगे, आप जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास परक राजनीति पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से 2012 से 17 तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चली, तमाम सारी योजनाएं, चाहे कन्या विद्या धन रहा हो, चाहे लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में किए गए कार्य रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किए गए रहे हो, तो उन कार्यों का कोई मुकाबला नहीं है। आप आज चुनाव के समय पर हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और बल्कि पूरी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड पर है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग विकास की बात के चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो बिजली की बात नहीं करना चाहते हैं, रोजगार की बात नहीं करना चाहते हैं, आरक्षण की बात नहीं करना चाहते हैं, किसान की बात नहीं करना चाहते हैं, किस तरीके से समाज संविधान को बिगाड़ा जा रहा है, समाज तमाम सारे संविधान संशोधन कर कर करके इसकी बात नहीं करना चाहते, वो चुनाव को किसी और मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। जब हमारी विधानसभा के विकास के बारे में हम बात करते हैं या सोचते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने बेतवा में, यमुना में और जवाहर नाला में एक हमीरपुर का बाईपास बनाने का उनसे अनुरोध किया था, उसको उन्होंने स्वीकृत भी कर दिया था, और स्वीकृत करने के पश्चात लगभग 1.5 अरब जो है पैसा भी आवंटित कर दिया था, और वो लैंड एक्विजिशन का काम भी पूरा हो गया था, डबल लेन था। धन्यवाद पत्रकार साथियों का जिन्होंने उसको कवर किया। इस सरकार ने धनाभाव का हवाला देते हुए, कोविड में धनाभाव का हवाला देते हुए उस पुल को सिंगल कर दिया, बाईपास को सिंगल कर दिया। मेडिकल कॉलेज की बात करते रह गए, मेडिकल कॉलेज आज तक स्थापित नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र की बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला हमीरपुर था
जिसको जैविक जिला के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय चयनित किया था। सरकार चली गई, जैविक जिला का पता ही नहीं लगा। तो इस तरीके से विकास के कामों को रोका गया है, तमाम सारे आधारभूत ढांचागत विकास किए गए हैं, लगभग 15 छोटे सब स्टेशन विद्युत के हम लोगों ने बनाए थे, दो बड़े, अपने सिर्फ विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, अपने विधानसभा में दो बड़े 132 केवीए के वो बनाए थे हमने, विद्युत ट्रांसमिशन सेंटर जिसको हम कह सकते हैं। विद्यालय तमाम सारे खोले गए, लगभग 5000 के आसपास हमने हैंडपाइप लगवाए थे, मॉडल स्कूल तमाम सारे बने थे, राजकीय महाविद्यालय बने थे, आईटीआई का निर्माण कराया गया था। तो सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी ने काम किया था। और आज अगर इन लोगों से बात कर लीजिए जो आज 5 साल लगभग सत्ता में बिता चुके हैं, तो विकास के नाम पर किसी भी काम को गिनाने में असमर्थ है और चुनाव को वो सिर्फ और सिर्फ अलग दूसरे मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। तो हमारा स्पष्ट एजेंडा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस प्रकार से संविधान को हम बचा पाए, संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने मलोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा, एक नया संसद और नया संविधान, संसद ने उसको स्वीकार नहीं किया। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता स्पष्ट है कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की संरचना करके समाज में जो लोग अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर थे उनको न्याय दिलाने का, उनको शिक्षा दिलाने का, उनको रोजगार दिलाने का प्रबंध किया था, तो कूट रचित रचना के साथ से उसको तोड़ते हुए ये लोग अपने लोगों को वहां पर बैठाना चाहते हैं, दलित को, पिछड़े को, मजदूर को, जो सताए हुए उनको और पीछे करना चाहते हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, 22 में बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सभी वर्गों के साथ समाजवाद का व्यवहार, समाजवाद और अंबेडकरवाद साथ में चलते हुए प्रदेश को तरक्की के रास्ते में ले जाने का काम करेंगे। जी मनोज जी, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, आपके पिता भी पार्टी में रहे हैं, जिनका अनुभव आपको हमेशा मिलता रहा है और इसी अनुभव के आधार पर आज अपनी दावेदारी आप करने वाले हैं, आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से काफी समय से जुड़े हैं, तो उसकी तब की समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, समय के हिसाब से पूरी दुनिया बदलती है। उस समय जो समाजवादी पार्टी थी, उस समय भी समाजवादी विचारधारा के साथ लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव जी के विचारों के साथ आगे बढ़ रही थी। आज समय की आवश्यकता के हिसाब से हम लोग उन्हीं सिद्धांतों को मानते हुए, आदरणीय लोहिया जी के जो उन्होंने कहा था कि सोसा पे बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी आधार पे आज भी समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। नेताजी के समय भी समाजवादी पार्टी ने उसी आधार और उसी सिद्धांत पे काम किया था। तो हम लोगों ने समाजवादी सिद्धांतों को बदला नहीं है, समाजवादी सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए समाजवादी रूप से सभी लोगों को, जैसा कि जान रहे हैं कि समाजवादी का मतलब सम व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, गरीब हो, जिसको जो चीज आवश्यक है, जिसका जिससे वो तरक्की कर पाए, उसको उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से आप अभी विकास की बातें कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में काफी विकास हुआ है, फिलहाल अभी जैसे शहर में देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी सरकार ने जगह जगह पोस्टर वार शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने तुलना की है, जैसे 2017 से पहले उन्होंने दिखाया है कि 2017 में सपा सरकार में क्या चीज नहीं हुई थी, जैसे चुनाव पे जैसे उन्होंने सुरक्षा को लेकर उसमें ऐसे पोस्टर में दिखाया कि सपा सरकार में पोस्टर में उस टाइम पे सुरक्षा के नाम पे ये हुआ करता, और अब जो बीजेपी की सरकार है उसमें इस तरीके से, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की बात है, तो आप देख रही हैं, टेनी जी के बारे में पूछिए ना, किस तरीके से टेनी जी के बच्चे ने, प्यारे बच्चे ने हमारे तमाम सारे किसानों को अपनी चार पहिया गाड़ी से कुचल दिया, तब कहां इनका कानून व्यवस्था गया था। और लखीमपुर की ही एक घटना और आप याद करिए, जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, एक महिला जो है अपना नामांकन पत्र लेने जाती है, किस तरीके से उसके साथ उसके कपड़ों को छीने झपटने का प्रयास किया गया था, कौन सी घटना बताऊं आपको,
आपके अलीगढ़ से जुड़ा हुआ जिला है, जहां वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ किस तरीके से अन्याय और अत्याचार किया गया था और उसको अन्याय अत्याचार के बाद जला करके मार दिया गया था, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किस नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? तो ये लोग झूठे लोग हैं। आपको पता है जब बजट पास किया गया था तो 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रखे थे, और उस प्रचार प्रसार के पैसे सरकारी धन से वो जगह जगह पर झूठे पोस्टर लगा रहे हैं। झूठ के ये बादशाह कहे जाए तो कम नहीं होगा। हेलो, मैं अरविंद, मैं अरविंद जी जी। तो ये स्थितियां कानून व्यवस्था की है इनकी। और आप हमारे जिले पर ही आइए, जिस समय ब्लॉक प्रमुख के सुमेरपुर ब्लॉक विकास खंड का चुनाव हो रहा था तो आपके रिपोर्टर ने पूरा उसको कवर किया था। आप वो फुटेज देखिएगा किस तरीके से सामंतवादी लोगों ने पुलिस के सामने, कप्तान के सामने, इवन डीआईजी के सामने, जो समाजवादी पार्टी के बीडीसी सदस्य थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। प्रयास किया गया कि उनको वोट न डालने दिया जाए, जो लोकतंत्र का एक पर्व था उस पर्व में उनको भाग लेने से वंचित किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कि लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए और वोट डाल करके इस पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसी सीट थी जिसको हम लोग जीत पाए, समाजवादी पार्टी जीत पाई जी। तो बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जहां पर लोग पर्चा ही नहीं भर पाए। तो ये आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है कि ये सरकार, आताताई सरकार, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। तो इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनका गुंडों के ऊपर विश्वास है। जो व्यक्ति विधानसभा के अंदर ये कहे कि हम ठोक देंगे, मार देंगे, वो व्यक्ति कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है? वो स्वयं में अपने आप गुंडा है, जिसने अपने ऊपर लगे हुए तमाम सारे मुकदमों को स्वयं हटा लिया। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं जी? मनोज जी, जैसे इस बार के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा होने वाला है 2022 का ये विधानसभा का चुनाव? 2022 में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है और पूरा का पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है। जो हमने पिछली सरकार में काम किए थे, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ घोषणाएं भी की हैं कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, सिंचाई का पानी फ्री देंगे। आपको जैसे पता है कि हम लोग जब समाजवादी पेंशन दिया करते थे तो 55 लाख लोगों को पेंशन देते थे, अब उन्होंने कहा है कि हम इसको डबल करेंगे, 1,55,000 का डबल कर दीजिए, उतनी पेंशन देंगे। और पेंशन को भी हम बढ़ा करके 2 गुना करने जा रहे हैं, 3 गुना करने जा रहे हैं। इस तरीके की चीजें हम लोग अभी अपने घोषणा पत्र में लाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी चीज कहते हैं वो सिर्फ इसीलिए विख्यात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और कहकर के करने वाला नेता पूरा दुनिया में अगर कोई एक है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उनका नाम है। तो जो भी चीजें कही जाएंगी, चाहे वो शिक्षा के लिए कही जाए, चाहे विकास के लिए कही जाए, चाहे ढांचागत विकास के लिए कही जाए, चाहे किसानों के विकास के लिए कही जाए, सारी चीजों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब हमारा घोषणा पत्र आपके सम्मुख आएगा तो निश्चित रूप से उसको आप देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। अगर हम सदर विधानसभा की जैसे बात करते हैं तो वर्तमान में सदर विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है? देखिए, पहले हमीरपुर जनपद में 3 विधानसभाएं हुआ करती थी। एक विधानसभा मौधा के नाम से होती थी, वो विधानसभा खत्म कर दी गई 2012 में। उस विधानसभा का जो क्षेत्र आज भी इसमें जुड़ करके है वो काफी पिछड़ा क्षेत्र है। जो गांव है आज भी अच्छे पानी पीने के लिए वो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए कैसे अच्छा पानी उपलब्ध कराया जाए ये हमारी प्राथमिकता होगी। कैसे अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर लाए जाए, अगर यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए, दे दी जाए, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद निश्चित रूप से वो अच्छा निर्णय लेंगे और अच्छा विकास के क्षेत्र में अपने आप को शामिल कर पाएंगे। सिंचाई के कैसे अच्छे प्रबंध किए जाए, अच्छा कैसे चिकित्सालय यहाँ बनाया जाए,
यहाँ नितांत आवश्यक आवश्यक है एक मेडिकल कॉलेज कैसे स्थापित हो। अगर हमारी सरकार बनती है तो मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी हम प्रयास करेंगे, जो निश्चित रूप से बनने जा रही है। कैसे यहाँ पर प्रबंधन का एक कोई संस्थान हो, कैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाए, और अगर हम इन सब सारे क्षेत्रों में अच्छे अच्छे संस्थानों को यहाँ स्थापित करने में सफल हो गए, यहाँ का युवक और शिक्षा अगर पा जाएगा तो अपने आप निश्चित रूप से अच्छा रोजगार तलाश लेगा। बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती है, संघर्ष की धरती है, और संघर्ष में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, मेहनत करने में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन अच्छी सुविधाएं अगर हमको उपलब्ध करा दी जाएंगी तो हम निश्चित रूप से अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से जनता अगर आपको इस बार मौका देती है, सेवा का आपको मौका दिया जाता है, तो क्या क्या काम आपकी प्राथमिकता में रहेंगे इनके अलावा? प्राथमिकता में काम कैसे, हम ये जो अन्ना पशु हैं, जिससे हमारा जो गांव का किसान है अपनी खेती को रखाने के लिए परेशान है जी। उन पशुओं से कैसे इनको हम व्यवस्थित कर पाए, किसानों को कैसे हम राहत दे पाए, पहली प्राथमिकता तो किसानों के लिए होगी। दूसरी प्राथमिकता कैसे हम यहाँ पर शिक्षण संस्थान अच्छे ला पाए, जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई कानपुर जाता है, कोई झांसी जाता है, कोई दिल्ली जाता है। अगर अच्छे एजुकेशन सेंटर्स डेवलप करने में हम कामयाब हो गए तो वो कम पैसे में कम खर्चे में अच्छी शिक्षा यहीं पर पा जाएंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा दूर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। तो यही सब हमारी प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे, किसानों के हित के लिए भी काम करेंगे, शिक्षा के लिए भी काम करेंगे। और ढांचागत विकास के लिए एक बहुत आवश्यक है कि कैसे हम इलाहाबाद की और हमीरपुर की दूरी को कम कर पाए। तो मेरी प्राथमिकता में यह भी है कि अगर सरकार बनती है तो एक यमुना पुल और सुमेरपुर को जोड़ते हुए फतेहपुर की तरफ अगर हम उस रोड को निकालने में कामयाब होंगे तो जो पूरा चक्कर लगा करके हमें इलाहाबाद जाने में बहुत सारा समय नष्ट करना पड़ता है, तो इसको अगर हम बनाने में कामयाब हो गए तो उस दूरी को भी हम कर पाएंगे और स्पीड को भी हम बढ़ा पाएंगे। कि कोरोना ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और बहुत ही ज्यादा लोगों की वो संख्या बढ़ती जा रही है, इसके चलते क्या आपने कुछ इस पे विचार किया है कि किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा? अगर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रही हैं तो कोरोना के लिए जो भी गाइडलाइन निर्वाचन आयोग देगा तो उसको हम अच्छा सा पालन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक कोरोना के विस्तार की बात है तो सरकार आज डबल इंजन की है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। जब पहली बार कोरोना आया था तो कोरोना भारतवर्ष में गरीब लोग नहीं लेके आए थे, अमीर लोग ही विदेशों से लेकर के आए थे। और अमीर लोग कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा में उनकी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बल्कि पूरी की पूरी सरकार सेवा में उनके लग गई और कोरोना को भारतवर्ष में फैलने दिया। और जब दूसरी लहर आई, पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में अच्छा खासा समय था और तब भी हम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए, ऑक्सीजन से तड़प तड़प करके लोग अपनी दम तोड़ रहे थे। और ये आताताई सरकार, निरंकुश सरकार, निर्दयी सरकार, ये नहीं कहने में इसको शर्म आई कि ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। तो ये सरकार की व्यवस्था का एक अंग है, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी है। और रही बात समाजवादियों की, तो चाहे पहली लहर रही हो चाहे दूसरी लहर रही हो, जब लोग दिल्ली से, पंजाब से, बंबई से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से अपने कामकाज को छोड़ करके अपने घरों के लिए 2,000-2,500 किलोमीटर, 2,500-2,500 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों को आ रहे थे, तो जब उत्तर प्रदेश में घुस रहे थे तो प्रत्येक जिले के समाजवादी जो सेवक थे उनकी सेवा करने के लिए जगह जगह पर पानी, खाना, मास्क ये वितरण करके उनकी सेवा कर रहे थे, उनको घरों में पहुंचाने का इंतजाम कर रहे थे। श्वेता जी, एक तस्वीर मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा गूंजती है, आपको भी शायद याद होगी, कि एक ब्रीफकेस में एक बच्चा लेटा हुआ था और माँ उसकी ब्रीफकेस को घसीट रही थी और माँ को ये पता नहीं था कि इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। इस तरीके की सरकार के बारे में जो भी कहा जाए, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, ये कम है। और अगर तीसरी लहर भी आती है तो सरकार का दोष होगा
और हम लोग जितना जो कुछ भी कर पाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आएगा, जो भी पार्टी का निर्देश आएगा, और अपने स्तर पर भी जो हमारे साथी हैं जिले में उनको भी पूरा जोर लगा करके कोरोना को यहां से रोकने का प्रयास किया जाएगा। मनोज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपने आज काफी अच्छी जानकारी हमसे साझा की है। उम्मीद है कि लोगों को ये जानकारी काफी पसंद आई होगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में। तो आज की प्राइम आपका टीवी भी की टीम जी, में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम टीवी के प्राइम चर्चा में हमने बात की थी डॉक्टर मनोज प्रजापति से, जिन्होंने अपनी जानकारी हमसे साझा की थी। उम्मीद है आपको ये प्राइम चर्चा काफी पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।